अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रई जाहिद और आज हम मौजूद हैं गुलमोड़ सिटी की साइड पे। आप मेरे साथ देख रहे होंगे कुछ नए चेहरे भी, इनका भी इंट्रोडक्शन मैं कराता हूँ। आप बताता हूँ कि इनको आज हमने क्यों यहाँ पे मशीनरी से उतारा और हाल वाल इनसे बांटने के लिए रुके हैं। अभी मैं आया यहाँ पे साइड पे तो मैंने इनसे हाल वाल बांटा कि यहाँ पे किस तरीके से काम चल रहा है और क्या क्या इनके ऊपर काम का टारगेट कैसे दिया जाता है। तो इन्होंने बड़े दिलचस्प चीज़ें बताई हैं तो मैं फिर रुक गया। मैंने प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करने का प्लान किया कि इनके साथ भी कुछ हाल वाल बांटते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे 24 घंटे मौजूद हैं और यहाँ पे इनको डायरेक्टली ऑर्डर भी दिए जाते हैं काम के वाले से, डेवलपमेंट के वाले से। तो इनका हाल वाल भी पूछते हैं कि ये यहाँ किस तरीके से काम कर रहे हैं और इनके क्या टारगेट्स हैं और कहाँ कहाँ पर मशीनरी काम कर रही है, कितनी तादाद में मशीनरी काम कर रही है और ओवर टाइम और बाकी चीज़ें भी इनसे पूछते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं ये डोज़र ऑपरेटर्स हैं दोनों, एक बशीर साहब हैं और एक दिल मुराद हैं। तो बशीर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप यहाँ पे कौन सी मशीनरी को ऑपरेट कर रहे हैं, कितनी तादाद में है मशीनरी और ज़रा यहाँ पे काम शाम के वाले से हमें बताएं कि किस तरीके से चल रहा है। माइक पर काम तेज़ी से चल रहा है सर, जो है ना मशीनरी बहुत हैं, इधर भी लगी हुई हैं, आगे भी मशीनरी है और जो है ना गेट के साथ भी काम हो रहा है, हर जगह पे काम काम है। हम लोगों को हर रोज़ काम जो है ना, इधर ऑफिसर रुकते हैं कि बोलते हैं काम करके दिखाओ, काम करके दिखाते हैं उनको, काम करके फिर जो है ना बोलते हैं भाई सही है, कभी बोलते हैं ओवर टाइम चला लो, कभी बोलते हैं जो है ना किस तरीके, तो आगे आगे काम पहाड़ का कटिंग कर। आप अभी मुझे बता रहे थे कि आपने बहरिया में भी काम किया हुआ, बहरिया में काम किया हुआ है हमने, फेज 3 पे काम किया हुआ है, पैराडाइज में काम किया हुआ है, फेज 2 पे काम किया हुआ है, हर एक जगह पे काम किया हुआ है। तो अच्छा, यहाँ पे आपको मशीनरी के वाले से डीजल वगैरह और बाकी चीज़ें टाइमली मिल जाती हैं, क्योंकि आजकल इस चीज़ों का भी इशू है, तो वो आपको मिलता है टाइमली? हर चीज़ टाइम पे मिलता है हम लोग को, डीजल हो गया, रोटी हो गया, हर चीज़ टाइम पे मिल जाता है हम लोग को। ठीक है, और काम के वाले से बताएंगे जिस रोड पे हम खड़े हैं, हमारा 200 फीट का मेन बुलेवर्ड है, मेन रोड है जी जी, तो ये इस पहाड़ी से आगे कितना हो चुका है? किसी टाइम हम ड्रोन फुटेज लाएंगे वैसे आपको दिखाएंगे, लेकिन इस टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कितना आगे मैं जा सकता हूँ? आगे बहुत जा सकते हैं कम सर, ये पहाड़ इस और एक पहाड़ है वो उसको भी काटा हुआ है जो है ना, अभी तीसरी पहाड़ पर हम लोगों को जाना है। ये खाली पहले रोड निकाल रहे हैं, रोड निकाल के जो है ना कि बोलते रोड का नक्शा बन जाए, तो इस बात के लिए ना कि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, कैप्टन साहब यहाँ खुद भी विजिट करते होंगे जी, तो जी, उनका हाँ, जी, जी होता है, वो आपके काम से सेटिस्फाइड हैं या? जी हाँ, आते हैं जो है ना, वो भी कैप्टन साहब आ जाते हैं कि इधर काम वाम देखते हैं, देख के फिर जो है ना खुश हो जाते हैं कि बोलते हैं माशाल्लाह काम तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, दिलमुराद ज़रा आप भी बताएं अपना एक्सपीरियंस। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, काम बिल्कुल तेज़ी से चल रहा है, मैं डोजर ऑपरेटर दिलमुराद हूँ, आम काम आगे बिल्कुल सही चल रहा है और ये एक प्रेशर दे रहे हैं हम लोगों को, नाश्ता सही, नाश्ता खाना सही मिल रहा है सर, और पूछते भी हैं जैसे आते हैं पूछते हैं भाई नाश्ता वाश्ता किया है नहीं, और काम का ही पूछते हैं, प्रेशर है काम का, ओवर टाइम भी चलाते हैं सही है, 10 घंटे 11 घंटे कभी 12 घंटे सर ओवर टाइम भी चलाते हैं, काम का सख्त प्रेशर है, आगे हम लोग अभी बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में आगे कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है नाज़रीन, तो ये आपने देखा है कि आज आपको गुलमोड़ सिटी पे जो लोग 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हैं और काम कर रहे हैं उनके भी ज़रा आपको व्यूज़ दिए हैं, बाकी प्रोजेक्ट के वाले से प्राइसेस के वाले से वो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो आज की वीडियो को ये एंड करते हैं, साथ रहने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।